हैं। आज सुंदर दिखना हर एक का सपना होता है। कोई भी आज ये आज लेडीज से ज्यादा मेकअप जेंट्स करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि हम एमवे के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए कैसे और अधिक सुंदर दिख सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज मिस्टर रविंदर जी एंड दलजीत कौर मैडम, जो कि हमें ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो आई वेलकम यू मिस्टर रविंदर एंड दलजीत जी। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ दलजीत एंड माय हस्बैंड। हेलो एवरीवन, माय नेम रविंदर सिंह, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। थैंक यू। सो जैसा कि होस्ट ने आपको बताया कि आज मैं आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो हमारी ब्यूटी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो हमारी ब्यूटी रेंज में टू कैटेगरीज आती हैं। वन इज आर्टिस्ट्री, जो कि हमारी स्किन केयर है एंड कलर्स हैं, एंड द सेकेंड वन इज आर एटीट्यूड रेंज। सो आर्टिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा एक प्रेस्टिजियस ब्रांड है। ये आर्टिस्ट्री स्टार्ट हुई थी 1950 में, बट इसको लॉन्च किया गया था 1968 में। तो 50 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हम लोग आर्टिस्ट्री रखती है। तो अगर इंडिया की बात करूं तो स्पेसिफिकली इंडिया में ये आर्टिस्ट्री लॉन्च हुई थी ऑन 14th of Feb 2001। ये सुपर प्रीमियम ब्रांड है और ये 50 प्लस कंट्रीज में बहुत ही इजिली सोल्ड आउट हो रहा है। और इसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो न्यूट्रलाइट इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, जो कि सारे क्लिनिकली टेस्टेड हैं। आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स बाय आर्टिस्ट्री की अगर बात करूं तो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट न्यूट्रलाइट का है एसरोला चेरी प्लस। तो इसकी अगर हम बात करें तो डेली केयर रेंज में वी हैड अ 3 प्रोडक्ट्स, दैट इज जेल क्लींजर, मल्टी प्रोटेक्शन लोशन। जेल क्लींजर जो है वो कुकुम्बर से बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश फील करती है। एंड जो हमारा लाइट लोशन है दैट इज मेड अप ऑफ कैमोमाइल फ्लावर, जो फ्लावर से बना हुआ है और जो हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। इसी तरह से वी हैड अ मल्टी प्रोटेक्शन लोशन, जो कि हमें सन प्रोटेक्शन देता है विद एन SPF 30 एंड PA ट्रिपल प्लस फॉर्मूला, जो कि हमें UVA एंड UVB रेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। यूसेज की अगर बात करूं तो हम इस प्रोडक्ट को डेली यूज कर सकते हैं, ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैड अ स्पेशल केयर रेंज आल्सो, व्हिच कम्स द 2 प्रोडक्ट्स, पॉलिशिंग स्क्रब एंड अ क्रीमी मसाज। पॉलिशिंग स्क्रब की अगर बात करूं तो इसमें जोजोबा बीट्स डाले हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फाइन, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं एंड ये आपकी स्किन को हार्श नहीं करते हैं और ये डीप क्लींजिंग करते हैं। एंड क्रीमी मसाज की अगर बात करूं तो क्रीमी मसाज एवोकाडा से बना हुआ है, जो कि आपके स्किन की प्रॉपर मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। एंड इट इज रिच इन विटामिन ई, जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड क्रीमी मसाज करने से आपके स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी बहुत अच्छे से सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। यूसेज की अगर बात करूं तो इस प्रोडक्ट को हम ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी हैड अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट, दैट इज आर्टिस्ट्री एडवांस विटामिन सी, सो विच इज वेरी यूजफुल फॉर आवर स्किन, क्योंकि हम विटामिन सी इंटरनली इनटेक करते हैं न्यूट्रलाइट ब्रांड में, जो कि हमारे इंटरनली हमें इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। उसी तरह से विटामिन सी जो है ये हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट, दैट इज पर्सनलाइज्ड सीरम, क्योंकि सबकी स्किन जो है वो डिफरेंट है और सबकी बहुत ही ज्यादा पर्सनल एंड स्पेशल स्किन होती है। तो इसके लिए आर्टिस्ट्री ने लॉन्च किया है बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट, दैट इज अ पर्सनलाइज्ड सीरम। इसकी अगर बात करूं तो इसमें वी हैड अ 5 एम्पलीफायर्स, दैट इज हाइड्रेशन एम्पलीफायर, ब्राइटनिंग, एंटी रिंकल, फर्मिंग एंड अ स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज विद अ बेस सीरम, हम एक बेस सीरम के साथ 2-3 मैक्सिमम एम्पलीफायर को इंडल्ज कर सकते हैं, सो दैट हमें अपना एक खुद का एक पर्सनलाइज्ड सीरम मिलता है। यूज कैसे करना है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो आर्टिस्ट्री वर्चुअल ऐप की, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा सीरम यूज करना चाहिए, तो वो आपकी हेल्प करेगा। बेस सीरम में आपको 3 एम्पलीफायर्स मिक्स करने हैं, शेक इट एंड योर पर्सनलाइज्ड सीरम इज रेडी। तो इसका रिजल्ट आपको 175% तक यूज करने 175% तक आपको मिल जाता है जब इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, एंड विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट्स सामने नजर आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इज एन इंटेंस मास्क। अगर इंटेंस मास्क की बात करूं तो ये
स्किन की डिहाइड्रेशन को रिलैक्स करता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये आपके स्किन की हाइड्रेशन को थ्रू आउट द डे मेंटेन करता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रेंज इज एन यूथ एक्सटेंड. सो यूथ एक्सटेंड जो हमारी रेंज है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस रेंज है. और प्रोटेक्टिंग लोशन हम लोग डे टाइम में यूज करते हैं नॉर्मली टू ऑयली स्किन और अ कॉम्बिनेशन स्किन. सो प्रोटेक्टिंग क्रीम्स जो होती हैं वो हम लोग जो है ड्राई स्किन वालों को रिकमेंड करते हैं. एंड प्रोटेक्टिंग क्रीम में वी हैव एन SPF 15 जो कि सन की UVA एंड UVB रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है. देन वी हैड एन इनरिचिंग लोशन जो कि हमारी ये नाइट टाइम रिकमेंड की जाती है, जो कि हमारी स्किन को ओवरनाइट जो है हाइड्रेट करता है. एंड इट इज लाइक वो अपने जो डैमेज्ड सेल होते हैं स्किन के उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है. सेम इज विद द एनरिचिंग क्रीम टू द ड्राई स्किन. देन वी हैव एन एनरिचिंग आई क्रीम जो कि हमारी आईज के डार्क सर्कल्स, क्रो लाइंस एंड जो एरिया हमारे आईज के नीचे जो पफिनेस होती है उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है. देन वी हैव अ रिन्यूइंग पील. रिन्यूइंग पील की अगर बात करूं तो इट्स एन हर्बल प्रोडक्ट और ये मशरूम बेस्ड है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा क्रीमी बेस्ड है. तो अगर मार्केट में कंपेयर करूं तो मार्केट में हमें अगर एक पीलिंग करवानी है तो वी पे फॉर अराउंड 1000 to 1500 फॉर वन सिटिंग. लेकिन हमारी रिन्यूइंग पील आप ट्वाइस अ वीक अप्लाई कर सकते हो विद द 8 pumps एट 8 times. एंड इसको नाइट टाइम में यूज किया जाता है और ये हमारे स्किन के pH बैलेंस को न्यूट्रल रखता है. मूविंग फॉरवर्ड वी हैड एन आर्टिस्ट्री कलर्स. इसमें हमारे पास फाउंडेशन है जो कि फ्रेग्रेंस फ्री है, ऑयल फ्री है एंड एलर्जी टेस्टेड है. वी हैड अ 2 shades इन इट, दैट इज सोलेल एंड बफ. वी हैड अ लूज पाउडर ऑल्सो जो कि हमारी मेकअप को पूरा सेट करके रखता है, हमें स्वेटिंग नहीं आने देता एंड गिव्स अ वेरी नेचुरल लुक, और ये हर स्किन टाइप के लिए अवेलेबल है. सो मूविंग फॉरवर्ड इज एन एटीट्यूड रेंज, दैट इज अ कलर कॉस्मेटिक रेंज. मैंने आर्टिस्ट्री की बात की थी, वो थी हमारी स्किन केयर रेंज जो हमारी स्किन की केयर करती है. एटीट्यूड इज एन कलर कॉस्मेटिक रेंज. इसमें भी वी हैड अ डिफरेंट प्रोडक्ट. We had a face wash and a moisturizer for the oily skin, जो कि oil dirt को clean out करता है and pollution से हमें बचा के रखता है. And it is goodness in apple and almond and orange extract से बना हुआ है. This face wash is for dry skin. ये बहुत ही ज्यादा 100% soap free है and water based gel formula से बना हुआ है, जिसकी वजह से skin को nurturing मिलती है. Then we had a moisturizer for the dry and the oily skin. Then we had a special care range. Special care range mein humare paas 2 products hain. One is sunscreen and another is foot cream. Sunscreen ki agar baat karu to sunscreen mein SPF 30 dala hua hai with the PA triple plus formula jo ki humare skin ke bahut hi zyada deep jo ki humare skin ko protect karta hai UV and UVB rays se. बाकी सनस्क्रीन्स की अगर बात करूं तो वो लगाने से हमारे फेस में एक लेयर सी रहती है, एक थिकनेस सी रहती है, लेकिन ये सनस्क्रीन जो है वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड होने की वजह से हमारी स्किन में मर्ज हो जाती है. फुट क्रीम, देन वी हैड एन एटीट्यूड फुट क्रीम जो कि हमारी क्रैक्ड हील्स को रिपेयर का काम करता है. इट इज वेरी रिच इन विटामिन A, C and E. देन वी हैड एन इंस्टा रेंज दैट इज रिसेंटली लॉन्च रेंज और ये यूथ को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड द पैकेजिंग इज सो ब्यूटिफुल. इंस्टा में हमारे पास फेस वॉश है एंड क्रीम है फॉर ऑयली स्किन जो कि जेल बेस्ड है, 100% सोप फ्री है और ये डीप क्लिंजिंग करती है. देन द पिंक वन गोज फॉर द ड्राई स्किन. हर्बल्स में हम कैसे पीछे रह सकते हैं अगर हम न्यूट्रलाइट में आगे चल गए हैं. तो एटीट्यूड में भी हमारे पास हर्बल रेंज है. एटीट्यूड में वी हैड अ बी ब्राइट हर्बल्स जिसका हीरो इंग्रेडिएंट्स है पापाइन एंजाइम. ये 100% सोप फ्री फॉर्मूला है और ये फेस को बहुत ही ज्यादा डिटॉक्सिफाई करता है. देन वी हैव अ बी ब्राइट डे क्रीम विद अ हीरो इंग्रेडिएंट इंडियन कीनो से बना हुआ है और इसमें ऑलरेडी SPF 15 सन प्रोटेक्शन डाला हुआ है विद PA ट्रिपल प्लस फॉर्मूला. देन वी हैव अ नाइट क्रीम. इसका हीरो इंग्रेडिएंट है हमारा मैंगो शीन बटर और इसकी वजह से आपको आपकी जो स्किन टोन होती है वो विद इन अ 4 वीक्स आपको लाइटर नजर आती है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं.
देन वी हैव अ बी ब्राइट रेंज नॉर्मल वन, जिन लोगों को थोड़ा रहता है कि हमें अपना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर करना है, तो अगर ये प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो तो विद इन अ 4 वीक्स आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. वी हैड अ फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस मास्क एंड अ डे क्रीम. मूविंग फॉरवर्ड वी हैड अ वेरी स्पेशल रेंज फॉर दोज हु हैज अ पिंपल्स ऑन देयर फेसेस. ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके फेस पे पिंपल्स हैं. स्पेशली अगर बात करूं तो ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो जिस वजह से ऑयली स्किन होने की वजह से आपके फेस में पिंपल्स होते हैं तो उनको काफी हद तक कंट्रोल करता है. ये बहुत ही ज्यादा इट्स अ सल्फेट फ्री एंड अ डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड, एंड ये बोथ मेंस एंड वुमेन्स दोनों रेंज के लिए है. देन वी हैड एन फेस मास्क. फेस वॉश करने के बाद यू कैन अप्लाई अ फेस मास्क ऑल्सो, एंड वी हैड अ स्पॉट करेक्टर. लाइक जहां जहां पे आपके पिंपल्स होते हैं, आप इस स्पॉट करेक्टर को सिर्फ उतने ही फेस एरिया पे जहां पिंपल्स हैं वहां पे अप्लाई करोगे, एंड विद इन अ 3 डेज आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड एंड एटीट्यूड कलर्स की बात करूं तो वी हैड अ मैट लिपस्टिक्स ऑल्सो. मैट लिपस्टिक की अगर बात करूं तो वी हैड अ 5 शेड्स इन इट. ये स्मज प्रूफ है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, इनमें कोई हार्श केमिकल नहीं डाला गया और ये आपके लिप्स की यूनिफॉर्म कवरेज करता है. The same way we had a shades in a creamy based also with the 5 shades, and ये आपको एक बहुत ही ज्यादा glossy look देता है, coverage इसकी बहुत ही ज्यादा high रहती है and gives a popping look to you also. Then we had a eye shadow, one of my favorite product, क्योंकि इस product को मैं बहुत ही versatile तरीके से use करती हूँ. As an eye shadow I use it and as a blusher also and as an highlighter also. तो ये बहुत ही ज्यादा multi-purpose product use हो जाता है. Then we had a blusher also जो कि बहुत ही lightweight है, बहुत naturally आपको look देता है. It comes in 2 shades, that is pink and a peach. Then we had a nail paints. Nail paints की अगर बात करूं तो बहुत ही fantastic colors आते हैं इसमें, बहुत transient, बहुत ही ज्यादा bold colors आते हैं इसमें, तो जो कि एक गुड कवरेज प्रोवाइड करते हैं. साथ ही के साथ इसको आप सिंगल कोटिंग अगर आप अप्लाई करते हो तो इतनी जल्दी सूख जाते हैं कि आपको बैठने की जरूरत नहीं है, कि पंखे के नीचे बैठ गए या कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट अप्लाई इट एंड डू योर वर्क, दैट्स ओके. कम्पैक्ट पाउडर आता है जो कि मॉडरेट कवरेज को प्रोवाइड करता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड इवन लुक देता है. ऐसे लगता है कि जैसे आपने मेकअप नहीं किया या कम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया, क्योंकि ये स्किन में ऑलरेडी मर्ज हो जाता है. मूविंग फॉरवर्ड वी हैड अ लिपस्टिक ट्रेवल पैक. ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है लेडीज के लिए, क्योंकि हम कहीं फंक्शन में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें सूट्स के साथ या हमारी ड्रेसेस के साथ लिपस्टिक मैच होनी चाहिए. तो एमवे ने हमें बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है. सो इन दिस ट्रेवल पैक वी हैड अ 6 शेड्स, 3 मैट शेड्स एंड 3 क्रीमी शेड्स. तो आप कोई भी शेड्स अपने अकॉर्डिंगली उसको लगा सकते हैं. वी हैव अ काजल पेंसिल ऑल्सो. काजल पेंसिल की अगर बात करूं तो ये हमारी आंखों के अंदर लगता है. मार्केट की अगर बात करूं तो मुझे नहीं पता कि मार्केट के प्रोडक्ट में क्या डाला हुआ है क्या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि अगर मैं एमवे का एटीट्यूड का काजल अगर यूज कर रही हूं तो मेरी आईज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी आई साइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये स्मज प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है. एंड वी हैड अ आई लाइनर ऑल्सो. आई लाइनर का जो ब्रश है वो इतना ज्यादा फाइन एंड स्मूथ है कि 1 स्ट्रोक में आपका आई लाइनर अप्लाई हो जाता है और ये आपकी आंखों पे भारीपन भी नहीं नजर आता. लाइक यू डोंट फील कि आपकी आंखों पे आपने कुछ लगा के रखा हुआ है. इट्स जस्ट अ वेरी वेरी गुड लुक. ये सारी चीजें आप फील कर सकते हो, बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ. सो विद दिस आई होप आई हैव कवर्ड ऑल दीज प्रोडक्ट. सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट. Great. Thank you so much, Mr. Ravinder and Mr. Diljit Kaur ji. आपने सुपर प्रीमियम रेंज को कवर करते हुए आप धीरे धीरे से हम कलर कॉस्मेटिक रेंज एंड देन आपने कैसे हर्बल रेंज को भी कवर किया. राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड टू द टो ऑफ योर बॉडी, आप कैसे अपनी स्किन और ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने लिमिटेड टाइम को डेकोरम को मेंटेन करते हुए दी. एंड थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच.